हेलो एवरीवन, मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस डाली हैं। ये मेरी वीडियोस जो हैं आईबीओ के द्वारा रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनाए जाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन के रिलेटेड, तो उसमें वो एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उस एग्जाम का मैं मॉक टेस्ट की तैयारी कराता हूँ आपको, सो दैट आप वहां पर मेरे जब ये वीडियोज देखेंगे, वीडियोज के थ्रू आपको नॉलेज मिल जाएगी तो आपको हेल्पफुल होगा। मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप कम से कम, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 से 60 नंबर डेफिनेटली ले सकते हैं। देखो इसमें 60% भी पास मार्क्स हैं। मैं 100% आपको इसलिए नहीं कह सकता, कुछ टॉपिक अभी अनटच है, मैंने अभी कवर नहीं किए। ये अगर 50% मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे जितनी भी वीडियोज हैं उनको अगर ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप 50% नंबर लाजमी ले लेंगे। बाकी देखो 10% नंबर आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर है, आपके अपनी मेहनत के ऊपर है। मैं आगे भी वीडियो पोस्ट करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ग्रैब कर सके, आप 60-65-70% नंबर ले सके। लेकिन क्योंकि जो टीचर्स है, कोई भी जो पढ़ाने वाला है, वो जितना मर्जी मेहनत कर ले, अल्टीमेटली रिजल्ट देना है जो स्टूडेंट है या जिसने पेपर देना है, उसकी अपनी नॉलेज है, उसकी अपनी समझ है। मैंने तो जो अपना एग्जाम क्लियर किया था, मैंने तो ये टॉपिक्स कवर किए थे, 3 महीने की स्टडी की थी मैंने, डेली 8 घंटे स्टडी करता था मैं, 8 घंटे की रिग्रेस स्टडी के बाद मैंने एक एक टॉपिक, जो जो टॉपिक मैंने, ये सारे मैंने खुद किए थे। इनमें से एडिशनल थोड़ा बहुत एडिशनल कुछ किया था मैंने, बाकी मेरी अपनी नॉलेज थी क्योंकि मैं इतने साल सर्विस की है, मेरी अपनी प्रैक्टिकल मेरे को नॉलेज थी। नॉलेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आपका आईक्यू लेवल होता है, आप अपने आईक्यू लेवल से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और स्टडी करेंगे इसको थॉरली। कोई भी कमेंट्स देने हैं आपने तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पास कर सकते हैं। व्हाट इज द वेटेज फॉर लो लाइंग प्लॉट? 20% कॉस्ट ऑफ अर्थ फिलिंग, 25%, 30%। अब क्या होता है, इसमें दो तरह के प्लॉट्स हैं, सिमिलर नेचर के प्लॉट हैं। एक तो प्लॉट है जिसका लेवल ठीक है, दूसरा लो लाइंग एरिया में थोड़ा सा, तो हम उसकी वेटेज कितनी, उसकी कितनी वेटेज देंगे, उसको कम कितना करेंगे रेट उसका। वैसे तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होता है, हम कॉस्ट ऑफ अर्थ फिलिंग बोल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर जब प्रैक्टिकल आपने भी चेंज करना है तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। उसमें क्या है, आपने अर्थ फिलिंग जो करनी है, अर्थ फिलिंग के साथ साथ आपकी फाउंडेशन का खर्चा भी बढ़ जाता है, तो कई फैक्टर्स काउंट करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा तो टॉपिक सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मेरे ख्याल में हम अपना सीमित रखें, जो भी मैं आपको आंसर दूंगा वो मेरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में। ये हेल्पफुल तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ता है हमें, जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन आपने और चीजें भी कब फैक्टर देखना होता है आपने। लेकिन सिंस आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ रहे हैं, मेरी वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट ऑफ अर्थ फिलिंग आएगा। तो उसमें आंसर आएगा बी, कॉस्ट ऑफ अर्थ फिलिंग। गवर्नमेंट ए लीज्ड एन इंडस्ट्रियल प्लॉट हैविंग एन एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर मीटर टू लेसी बी इन द ईयर 2002 फॉर अ पीरियड ऑफ 99 इयर्स। ए चार्ज ₹6 लाख एज ए प्रीमियम एंड रेंट एट द रेट ऑफ ₹1 पर एनम। बी कंस्ट्रक्टेड ए 1000 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग ऑन 2002 by spending ₹4,000 per square meter. As per the condition of lease, the lessor will get 50% as unearned increase in land in case of sale or transfer of the land.
prevailing market rate on 2020 is rupees 800 per square meter and replacement cost of building is rupees 12,000 per square meter. Life of building is 50 years. इसमें क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन 2022 इफ द लैंड इज फ्री होल्ड, व्हाट इज लेसर्स इंटरेस्ट इन 2022, व्हाट इज लेसेस इंटरेस्ट इन 2022, व्हाट इज द बैलेंस इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट इन 2022 ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज एब्सेंट. इसका आंसर होता है फॉर फ्री होल्ड प्लॉट. अगर ये प्लॉट फ्री होल्ड होता, वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्लॉट ऑन 2022, 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 800 रुपया रेट, तो ये 16 लाख का प्लॉट हो गया. अब इसकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग उसने बनाई है प्लॉट के ऊपर 1000 स्क्वायर मीटर, 12000 रुपये पर स्क्वायर मीटर उसका खर्चा है, तो इसकी 1,20,00,000 रुपया रिप्लेसमेंट वैल्यू बिल्डिंग की है. डिप्रिसिएशन अमाउंट, ये तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है कि जितनी रिप्लेसमेंट वैल्यू है इनटू 10% स्क्रैप वैल्यू आ गया, 100 माइनस 10% इनटू ये इतनी तो एज आ गई, 20 साल लैप्स हो गए पीरियड, 50 साल की टोटल लाइफ है, 20/50 तो 43,20,000 ये डिप्रिसिएशन अमाउंट है. अब डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 1,20,00,000 में से हम 43,20,000 निकाल देंगे, तो 76,80,000 डेप्रिसिएटेड बिल्डिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग आ गई. अब टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो आएगा आपका, एक तो आपका ये 16,00,000 रुपये आ गया प्लस ये 76,80,000 ये प्लॉट की डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग आ गई. दोनों को जब ऐड करेंगे तो 92,80,000 दिस इज द राइट आंसर. अब लेसर इंटरेस्ट इन 2020, जो लेसर का इंटरेस्ट है 2022 में क्या है, सिंस दिस इज ए परपेचुअल लीज, परपेचुअल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लाइफ, 99 इयर्स की लीज है, तो जब 99 इयर्स की लीज होगी तो उसमें तो आपको मालूम है कि रिवर्शनरी वैल्यू ऑफ द लैंड विल बी नेगलिजिबल, मोरओवर एनुअल रेंट इज रुपीज 1, द कैपिटलाइजेशन वैल्यू विल आल्सो बी नेगलिजिबल. प्रीमियम चार्ज कितना किया उसने, 6,00,000 किया. अनअर्न इंक्रीज कितनी है, 16,00,000 रुपए, तो 16,00,000 रुपए तो देखो ये फ्री होल्ड क्या बन गया, 6,00,000 रुपए उसने यहाँ पर 6,00,000 रुपए उसने ऑलरेडी प्रीमियम चार्ज कर रखा है, तो 10,00,000 रुपया ये अनअर्न इंक्रीज आ गई. उसका 50% उसको मिलना है एज पर कंडीशन जो उसने क्लॉज डाली थी एट द टाइम ऑफ लीज, उसमें 50% मिलना है. लेसर कोई ट्रस्ट है जो 50% जब लगाएंगे 10,00,000 का, तो 5,00,000 उसका आंसर आ जाएगा लेसर का इंटरेस्ट है, बाकी कोई इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. क्योंकि अगर ये टाइम पीरियड कम होता फिर यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ मिल जाता, एडवर्सरी वैल्यू मिल जाती, कैपिटलाइजेशन वैल्यू बन जाती, बढ़ जाती, लेकिन सिंस इतने साल का लंबी लीज है, एनुअल रेंट भी 1 रुपये है, तो 1 रुपये में कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या होगी. अब लेसी का इंटरेस्ट कितना है ऑन लैंड वैल्यू, 16,00,000 रुपये तो टोटल वैल्यू है, 5,00,000 रुपया उसने लेसर को दे दिया, 11,00,000 रुपया उसकी ये आ गई. अब डेप्रिशिएटेड बिल्डिंग वैल्यू है जो उसकी 76,80,000 रुपया डेप्रिशिएटेड वैल्यू है बिल्डिंग की, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 87,80,000 उसकी लेसी का इंटरेस्ट बन गया. द बैलेंस इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग कितनी आएगी, 50 साल तो टोटल लाइफ है, 20 साल लैप्स हो गए, तो बैलेंस कितनी आएगी, 30 इयर्स. अब डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है, डेप्रिसिएशन अमाउंट मैंने वैसे आपको पहले निकाल के रखा है, डेप्रिसिएशन अमाउंट मेरा 43,20,000 ये मैंने यहां पर दोबारा से निकाल दिया, ये 43,20,000 वहां पर आपको ABCD चार ऑप्शन दे रखी होंगी हर क्वेश्चन की, आपने आंसर टिक मार देना उसके हिसाब से भी कौन सा आंसर राइट है. ये मैंने आपको इसलिए लिखा है कि ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, जब आपको प्रैक्टिस आती होगी तो वहां पर आपको इजी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि आपने क्रैमिंग करनी है. क्वेश्चन नंबर 3, द लेसर क्लेम्स अ शेयर व्हेन ए लेसी सेल और ट्रांसफर प्रॉपर्टी, व्हाट इज दिस शेयर नोन एज, इसको हम प्रॉफिट शेयर बोलते हैं.
कोई भी लेसर ने अगर लेसी को कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी है तो वो कहता है कि जब भी वो लेसी ट्रांसफर करेगा या सेल करेगा प्रॉपर्टी को तो उसका प्रॉफिट शेयर लेगा, कहते हैं मैं प्रॉफिट शेयर लेना है, लेसर कहता है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको क्या कहते हैं हम, रैक रेंट कहते हैं, एड रेंट कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, अनअर्न इंक्रीज कहते हैं, तो उसको हम अनअर्न इंक्रीज कहते हैं। मेरे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि अनअर्न इंक्रीज उसकी प्रूडेंट है, तो ये अन इंक्रीज इसमें आंसर आ जाएगा। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज लेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज लोअर हायर नॉर्मल नन ऑफ द अबव। इस केस में देखो ये फॉर्मूला आ गया कैपिटल इंटू वन अपॉन वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन, जितना ये नीचे वाला अगर कम हो जाएगा आर अगर कम होगा तो ऑब्वियस वन अपॉन जो आर की वैल्यू अगर कम है जितनी कम होगी तो ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी, इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो बढ़ेगा, अगर ये ज्यादा होगा तो कम होगा। अगर यहाँ पर जैसे मेरा आंसर है हायर, बी इज द आंसर, अगर मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट अगर मैंने लिखा होता मोर हायर लिखा होता तो फिर जितना बढ़ता यहाँ पर ये जितना बढ़ेगा तो ऊपर इसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी तो यहाँ पर लोअर आ जाता, लेकिन सिंस यहाँ पर लेसर जितना ये लेसर हो जाएगा, जितना नीचे कम होता जाएगा ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी। What type of the property is not covered under Surfacey Act 2002? Number 1, residential, number 2, commercial, number 3, industrial, number 4, agricultural. ये तो आपको मालूम है कि जो Surfacey Act 2002 है वो residential, commercial, industrial buildings के properties के ऊपर ही लगता है, agricultural property के ऊपर लगता नहीं है, तो इसका answer agricultural property right answer है। What is the total value of a rental property if its annual rent is rupees 12,000? The sale price of similar three properties in the same area is rupees 1,10,000, 1,15,000, 1,18,000. Fetching rent of rupees 11,500, 11,900 and 12,100 respectively. ये तीन similar properties हैं, इनकी values ऐड कर लेंगे 1,10,000, 1,15,000, 1,18,000, ये 3,43,000 आ गया, डिवाइड बाय जो रेंटल है 11,500, 11,900 एंड 12,100, तीनों का जब ऐड करेंगे 35,500 रुपया रेंट आ गया, जब इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.66। अब 9.66 को अगर 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1,15,940 रुपए, 1,15,940 रुपए इज द राइट आंसर। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक्स।